एग्रीकल्चरिस्ट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में आई असिस्टेंट साइंटिस्ट की नोटिफिकेशन के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और ऐसी न्यू एग्रो अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि हमने आपको हमारी लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एमपी ने हाल ही में आरएचईओ, डीएम एंड एसएसडीओ की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट किया है। लेकिन अगर अभी तक आपने इसकी फुल डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो इसकी फुल डिटेल की वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप इसकी फुल डिटेल वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज वाई परीक्षा ने हाल ही में 20 FLT टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है, जिसका कॉस्ट ओनली 349 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप हमारे एग्री डॉक्टर 50 के कोड को यूज़ करते हैं तो आपको 50% ऑफ मिलेगा, यानी आपको 20 की 20 टेस्ट सीरीज के लिए सिर्फ 175 रुपीज़ ही पे करने होंगे। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज व परीक्षा का ऐप भी है, जिसमें आपको मॉक फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए टीचिंग पोस्ट पर एलिजिबल कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को इनवाइट किया है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप 9 मार्च 2022 से 8 अप्रैल 2022 तक यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टीचिंग पोस्ट पे स्केल एंड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में। तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट साइंटिस्ट की पोस्ट है, जिसमें टोटल 49 पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई है एंड इसका पे स्केल 57,700 रुपीज़ टू 1,82,400 रुपीज़ है। असिस्टेंट साइंटिस्ट की 49 पोस्ट है, जिसमें सोयल साइंस के लिए 11, प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में 6, हॉर्टिकल्चर में 2, नेमाटोलॉजी में 2, प्लांट ब्रीडिंग में 8, एग्रोनॉमी में 5, इंटमोलॉजी में 2, वेजिटेबल साइंस में 4, प्लांट फिजियोलॉजी में 2, सोयल एंड वाटर इंजीनियरिंग में 2, एस्थेटिक्स में 1, रूरल सोशियोलॉजी में 1, टेक्सटाइल एंड अप्रैल डिजाइनिंग में 1 एंड सोयल केमिस्ट में 2 वैकेंसीज आई हुई है। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो आपको आपकी एप्लीकेशन फ़ी इंक्लूडिंग GST 1200 रुपीज़ देनी है। लेकिन अगर आप हरियाणा डोमिसाइल के कैंडिडेट हैं, SC, BCA, BCB एंड EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको ओनली 300 रुपीज़ ही पे करनी है। आप हरियाणा डोमिसाइल के कैंडिडेट हैं एंड PWD एंड ESM कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी है। हरियाणा की फीमेल कैंडिडेट को 50% का कंसेशन है, यानी उन्हें ओनली 600 रुपीज़ देना होगा। लेकिन अगर आप SC, BCA, BCB, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ओनली 150 रुपीज़ ही पे करने होंगे। अब हम बात करते हैं टीचिंग पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपके ऑल अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके मैट्रिक स्टैंडर्ड में हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट तक PhD की थीसिस का सबमिशन हो जाना चाहिए एंड आपके इंटरव्यू के टाइम तक PDC आपके पास में होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट साइंटिस्ट ऑफ सोयल साइंस। तो असिस्टेंट साइंटिस्ट ऑफ सोयल साइंस के लिए आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स से इन एग्रीकल्चर में, जिसके साथ साथ आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए सोयल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर फिजिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन दी सोयल फिजिक्स। इसके साथ साथ UGC, CSIR एंड ICAR इन स्टेट के द्वारा कंडक्ट होने वाले नेट, SLET एंड सेट एग्जामिनेशन भी आपका पास होना चाहिए। कैंडिडेट की PhD डिग्री रेगुलर मोड पर ही होनी चाहिए। इसके साथ साथ कैंडिडेट को 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहिए, जिसमें से 1 रिसर्च पेपर जनरल में पब्लिश होना चाहिए। कैंडिडेट का एकेडमिक रिकॉर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स पर होना चाहिए, लेकिन ST, SC, PWD एंड OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं को 5% का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी के असिस्टेंट साइंटिस्ट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स से इन एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन इन दी प्लांट पैथोलॉजी एंड अर्न अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज दी अबव है। असिस्टेंट साइंटिस्ट इन हॉर्टिकल्चर, तो इसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में एग्रीकल्चर, जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर इन फूड साइंस यानी पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर इन फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर।
असिस्टेंट साइंटिस्ट इन नेमाटोलॉजी, तो इसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में इन एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन इन दी नेमाटोलॉजी एंड अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर दी अबव। असिस्टेंट साइंटिस्ट इन प्लांट ब्रीडिंग के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में एग्रीकल्चर एंड आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में एंड अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर दी अबव। हम बात करते हैं असिस्टेंट साइंटिस्ट इन एग्रोनॉमी में, तो असिस्टेंट साइंटिस्ट एग्रोनॉमी के लिए आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में इन एग्रीकल्चर एंड आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए एग्रोनॉमी में। असिस्टेंट साइंटिस्ट इन एंटोमोलॉजी, तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए आपका एंटोमोलॉजी में, सेरीकल्चर में, एपीकल्चर में एंड जूलॉजी एंड प्लांट प्रोटेक्शन में विथ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए आपका एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी में। असिस्टेंट साइंटिस्ट इन वेजिटेबल साइंस में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में एग्रीकल्चर में एंड आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए वेजिटेबल साइंस में, वेजिटेबल क्रॉप में और हॉर्टिकल्चर यानी ऑलरी कल्चर में। असिस्टेंट साइंटिस्ट इन प्लांट फिजियोलॉजी में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में इन प्लांट फिजियोलॉजी में एंड ऑल अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर दी अबव। असिस्टेंट साइंटिस्ट इन सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए आपके मास्टर डिग्री में सोइल एंड वाटर इंजीनियरिंग में, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग में एंड वाटर रिसोर्सेज में एंड ऑल अदर एसेंशियल एज पर दी अबव। असिस्टेंट साइंटिस्ट इन स्टेट के लिए आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में स्टेट में। असिस्टेंट साइंटिस्ट इन रूरल सोशियोलॉजी के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में इन सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी में। असिस्टेंट साइंटिस्ट इन टेक्सटाइल एंड अप्रैल डिजाइनिंग के लिए आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में इन होम साइंस, कम्युनिटी साइंस जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल एंड अप्रैल डिजाइनिंग में, अप्रैल एंड टेक्सटाइल साइंस में। असिस्टेंट साइंटिस्ट इन सोइल केमिस्ट के लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में इन केमिस्ट्री एंड सोइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिकल एंड सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में एंड ऑल अदर एसेंशियल एज पर दी अबव है, जो कि सारी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। बात करते हैं कि कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो स्ट्रक्चरल मार्किंग के बेसिस पर जिन भी कैंडिडेट ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई किया है उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट के बनाने के बाद में एक पोस्ट के लिए 15 इलिजिबल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। इन एडिशन 5 मोर इलिजिबल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा एंड इंटरव्यू के लिए सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इंटरव्यू के बाद में मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें 1 कैंडिडेट को पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। आपको आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, इसके साथ साथ आपने जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है उनकी कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके नोटिफिकेशन में बताए गए एड्रेस पर 15 अप्रैल 2022 5 PM से पहले पहले बाय हैंड या फिर थ्रू स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। अभी पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल एग्री डॉक्टर एंड एक्सपर्ट एग्रोनॉमी पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको डेली करंट अपडेट, इसके साथ साथ डेली न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड किया जाता है।